हे फ्रेंड्स, फ्लाइटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पेन ड्राइव का मीनिंग क्या होता है। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। पोर्टेबल मतलब आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। और पेन ड्राइव काम आती है हम स्टोरेज के लिए। पेन ड्राइव काम आती है जैसे हम मूवीज या कोई सॉन्ग या कोई डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट फाइल उसमें रख सकते हैं, तो पेन ड्राइव इसलिए काम आती है। तो पेन ड्राइव का मीनिंग यही होता है, पोर्टेबल डिवाइस है और उसमें स्टोरेज कर सकते हैं, हम कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर से, लैपटॉप से, और आजकल तो मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ पेन ड्राइव कौन सी बेस्ट रहती है। जब भी आप पेन ड्राइव परचेज करें तो सैंडिस्क की पेन ड्राइव सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि उनका मेन काम यही है पेन ड्राइव बनाना, मैन्युफैक्चर करना। ए डाटा की पेन ड्राइव है JPL एरी सैंडिस्क, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, मगर ये थोड़ी पुरानी है फ्रेंड्स, और ये पुरानी रेटिंग होगी, ये थोड़ी पेन ड्राइव पुरानी है, कोई बात नहीं, मगर इसकी थोड़ी स्लो स्पीड है, तो आप थोड़ी अच्छी लेना। ये वाली अच्छी है अल्ट्रा ड्यूल 64 GB, तो पेन ड्राइव में ये बेस्ट है और ये भी बेस्ट है। जहाँ तक 4 रेटिंग होती है, 4 रेटिंग तक सारी बेस्ट होती है। फ्रेंड्स, कभी भी खरीदो तो आप रेटिंग देख के खरीदो कौन सी बेस्ट रहती है। ये अल्ट्रा ड्यूल है, ये भी अच्छी है अगर 4 रेटिंग है। ओके फ्रेंड्स, 64 GB है 889, ये मेरे को थोड़ी महंगी लग रही है, मगर फिर भी अभी एक्चुअल में ये लेटेस्ट है इसलिए महंगी है, ये पहले नहीं अवेलेबल थी यहाँ पे। तो कभी भी सैंडिस्क अच्छी है, मेरे पास जो है वो सोनी की है, सोनी भी अच्छी है, और मेरे पास सैंडिस्क की भी है, सोनी दोनों की है। स्ट्रॉन्टियम भी अच्छी है पेन ड्राइव, क्योंकि इनका मेन काम है यही बनाना, पेन ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग करना, इसमें काफ़ी है पेन ड्राइव। तो आप रेटिंग देखो और आपको जितनी स्टोरेज चाहिए, जैसे इस्तेमाल 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, अगर आपकी जिस हिसाब से आपकी स्टोरेज है, आप मूवीज ज़्यादा देखते हैं, आप मूवीज ज़्यादा स्टोर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो 128 GB लो, बेस्ट रहता है, 1500 तक आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कम होता है डॉक्यूमेंट है, सॉन्ग है, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 32 GB बेस्ट है। मेरे पास जो है वो 32 GB है, तो मेरे लिए सफिशेंट है, मैं तो सॉन्ग मूवीज डॉक्यूमेंट्स के लिए काम आती है मेरे। तो सोनी की भी अच्छी है, जो भी कभी भी आप लो ना फ्रेंड्स, 4 रेटिंग देखना, 5 और 4 रेटिंग तक भी पेन ड्राइव अच्छी होती है। जैसे इसमें 4 रेटिंग दी है, मतलब ये पेन ड्राइव अच्छी है, ऐसी बुरी नहीं है, मगर ये थोड़ी पुरानी है स्ट्रॉन्टियम की। मैं कब से देख रहा हूँ इस पेन ड्राइव को, आज मेरे ख्याल से 5 ईयर्स हो चुके हैं इसको। तो फ्रेंड्स, तो थोड़ा ढंग से लेना, लेटेस्ट देखना कि लेटेस्ट कौन सी है। ओके फ्रेंड्स, तो कभी भी लो पेन ड्राइव अच्छी लो और सेलेक्ट करके लेना अच्छी तरह। और पेन ड्राइव बहुत काम आती है, पोर्टेबल डिवाइस है ये, और स्टोरेज के लिए काम आती है। और ऐसे तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ इसमें, तो आप ऐसे देख के परचेज करो अच्छा रहेगा। और तो बेस्ट पेन ड्राइव 32 GB, 64 GB, 128 GB। 16 GB मत लेना फ्रेंड्स, कोई मतलब नहीं है। और फ्रेंड्स, लोकल पेन ड्राइव मत लेना, वो आगे करप्ट हो जाएगी आपके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो कंपनी है वो ही लेना, जो बेस्ट कंपनी है, जैसे सैंडिस्क है, सोनी है, और स्ट्रॉन्टियम है, और ए डाटा है, तो ये सारी बेस्ट कंपनी है, तो इनकी लेना पेन ड्राइव फ्रेंड्स, कभी भी लो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बाय। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।